गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए आपका अगला पाठ जो है जैसे को तैसा। जैसे को तैसा ये बात हम सुनते आए हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। हम इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग अक्सर सुनते हैं कि भाई जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसे को तैसा, यानी कि अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो बुरा आपके साथ होगा, आप अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। ये बात में हम सब विश्वास करते हैं, तो इसी बात पर आधारित है आपका अगला पाठ जैसे को तैसा। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले हम कुछ बातों को देख लेते हैं। यहाँ पर हमने इस कहानी की प्रमुख घटनाओं को बिंदुओं के आधार पर यहाँ पर लेखबद्ध कर लिया है। प्रमुख घटनाएं यानी कि इस कहानी में होता क्या है, किस प्रकार देखते हैं कि व्यापारी का नुकसान होना, मदद के लिए सेठ के पास जाना, व्यापारी द्वारा अपनी तिजोरी गिरवी रखना, सेठ का झूठ बोलकर तिजोरी ना देना और व्यापारी द्वारा सेठ को सबक सिखाना। तो कहानी कुछ इस प्रकार जाती है कि एक व्यापारी जो होता है वो उसको उसके व्यापार में नुकसान होता है और वो बहुत चिंतित और परेशान होता है। यहाँ आप चित्र को देखोगे तब आपको समझ आएगा देखकर कि किस प्रकार एक व्यक्ति चिंतित परेशान सा बैठा हुआ है और उसके पास एक महिला खड़ी हुई है। तो यहाँ पर ये जो चिंतित परेशान सा व्यक्ति है वो व्यापारी है और व्यापारी की पत्नी है। तो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। व्यापारी बड़ा चिंतित है, उसे व्यापार में नुकसान हुआ है और इतना सारा नुकसान होने के कारण वो कहता है कि अब क्या करूं, कैसे निपटूं इस समस्या से, मेरा तो सब कुछ नष्ट हो गया है, मेरी धन संपत्ति पैसा सब कुछ चला गया है। तो उसकी पत्नी कहती है कि हम किसी और शहर में चलते हैं, वहां चल के कुछ कोशिश करते हैं। तो वो सोचता है कि ऐसे में कैसे चला जाए आगे, बिना पैसे के किस प्रकार दूसरे शहर में जाएंगे, क्या करेंगे, पैसे की आवश्यकता तो बहुत है, जरूरी है पैसा। तो वो कहता है चलो कुछ सोचा जाए, कहीं से मदद मांगी जाए। तो व्यापारी क्या करता है, अपने शहर के सेठ के पास जाता है और उस सेठ से मदद के लिए पैसा मांगता है कि भी मेरे समस्या में हूँ, मुसीबत में हूँ, मुझे कुछ पैसे की आवश्यकता है और मेरे पास एक तिजोरी है, ये सिर्फ एक खाली तिजोरी मेरे पास रह गई है, तो ये तिजोरी मैं रख के जाता हूँ और आप इसके बदले मुझे कुछ पैसा दे दीजिए, जैसे ही मेरे पास पैसा आएगा तब मैं इसे पैसा देकर अपनी तिजोरी वापस ले जाऊंगा। तो जो व्यापारी है, वो व्यापारी की जो तिजोरी है वो बहुत सुंदर है और वो क्योंकि अमीर था उसने तो तिजोरी भी अच्छी वाली बना के रखी थी, लोहे की मजबूत सी सुंदर सी, तो वो खाली तिजोरी ही वो सेठ के पास रखकर जाता है। तो सेठ कहता है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, वो उसे कुछ पैसे देता है और व्यापारी सेठ से पैसे लेकर चला जाता है। कुछ समय बीतता है, व्यापारी उन पैसों की सहायता से काम करता है, उसको जो भी फायदा होता है वो पैसे कमा कर लेकर आता है और फिर उस सेठ के पास वापस पहुंचता है और उसे पैसे देकर कहता है कि ये लीजिए आपने जो मुझे पैसे दिए थे, ये अब आप मुझे मेरी तिजोरी वापस दे दीजिए। तो सेठ क्या है, सेठ बहुत चालाक है, चतुर है और वो पैसा ले लेता है, लेकिन क्या कहता है तिजोरी नहीं देता और क्या कहता है कि वो तिजोरी तो है ही नहीं है, मैं कहां से लौटाऊं, तुम्हारी तिजोरी तो चूहों ने खा ली। तो ये बात सुनकर व्यापारी बड़ा हैरान होता है, वो बोलता है मेरी तिजोरी तो लोहे की थी, इतनी मजबूत थी, उसे चूहे कैसे खा सकते हैं। तो वो कहता मुझे नहीं पता, वो तो खा ली, मतलब उसने देने से साफ मना कर दिया। तो व्यापारी समझ गया कि इनकी नीयत में खोट है, ये देना नहीं चाहते, तो वो वहां से चुपचाप चला जाता है। जब वो जा ही रहा होता है ऐसे इतने में वहां पर सेठ का पुत्र आता है, वहां पर सेठ का पुत्र आता है और वो सेठ से कहता है कि मैं स्नान करने नदी पर जा रहा हूँ, मुझे जाने की अनुमति दे दीजिए। सेठ से पूछता है, तो इतने में ये जो व्यापारी था वो उसकी बात सुन लेता है और वो व्यापारी सेठ से बोलता है कि मैं भी नदी पर स्नान करने जा रहा हूँ, अगर आप कहो तो आपके पुत्र को भी साथ ले जाता हूँ। तो वो कहते हैं सेठ जी बहुत अच्छी बात है, अपने पुत्र से कहते हैं जाओ आप इनके साथ चले जाओ नदी पर स्नान करने। तो व्यापारी क्या करता है, उसे अपनी तिजोरी वापस चाहिए होती है, तो वो एक उपाय सोचता है, वो सेठ के पुत्र को ले जाकर एक कमरे में बंद कर देता है और बंद करके वो क्या कहता है सेठ के पास आकर कि भाई आपका बेटा नदी में स्नान के लिए गया था, जब वो बाहर आया तो उसे एक बाज उठाकर ले गया। अब सेठ कहता है कि मेरा पुत्र इतना बड़ा है, उसे बाज कैसे उठा के लेके जा सकता है, ये तो संभव ही नहीं है कि कोई पक्षी आए और किसी इंसान को उठाकर ले जाए, ये तो संभव नहीं है। तो वो व्यापारी उसको क्या कहता है, जिस प्रकार मेरे लोहे की
जो तिजोरी है वो चूहे खा सकते हैं, उसी प्रकार आपके बेटे को कोई पक्षी यानी कि बाज उठाकर ले जा सकता है। तो सेठ समझ गया कि ये अपनी तिजोरी वापस चाहता है, इसलिए इसने ये तरकीब लगाई है। तो वो कहता है, तुम्हारी तिजोरी किसी चूहे ने नहीं खाई, वो तो मेरे पास सुरक्षित है, मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। तुम मुझे मेरा बेटा लौटा दो, मैं तुम्हें तुम्हारी तिजोरी लौटा देता हूँ। तो इस प्रकार सेठ को उसका बेटा लौटाता है व्यापारी, और उसे अपनी तिजोरी मिल जाती है। इसीलिए कहा है जैसे को तैसा। तो पाठ बड़ा ही मनोरंजक है, अच्छा है, पढ़ने में अच्छा लगेगा, सीख मिलेगी कि किसी का बुरा मत चाहो, किसी को तकलीफ पीड़ा मत पहुंचाओ, क्योंकि वो बदले में हमारे हिस्से में भी वो दर्द और तकलीफ आएगी। अच्छा करोगे तो अच्छा होगा। पाठ को पढ़िए, नए शब्दों को जानिए। नए शब्द और प्रश्नोत्तर संबंधी अभ्यास के लिए हम आपसे मिलेंगे अगले मॉड्यूल में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।